नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। डबरा नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी सुरक्षित, अविश्वास प्रस्ताव हुआ ध्वस्त। शक्ति जिला के डबरा नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बच गई है। आज हुए अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन में कांग्रेस के प्रीतम अग्रवाल ने 5-9 मत प्राप्त कर अपने अध्यक्ष की कुर्सी को सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि सत्ता बदलने के बाद किस तरह से राज्य में अविश्वास प्रस्ताव का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में डबरा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीतम अग्रवाल के खिलाफ भाजपाई एवं नाराज 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव हेतु कलेक्टर शक्ति के पास आवेदन दिया था, लेकिन सम्मेलन में प्रीतम अग्रवाल ने अपने पक्ष में 9 पार्षदों को करते हुए आज हुए पुनः अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखा है। नगर पंचायत डबरा में हुए सम्मेलन में कार्यालय के बाहर सैकड़ों नगर वासी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा थी। कुर्सी बचाने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं सत्ता प्राप्त करने के बाद भी भाजपाई पार्षद अपने मुंह में सफल नहीं हो पाए, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज मेरे समस्त पार्षद भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जो मेरे ऊपर विश्वास करके पुनः मुझे इस पद में बैठाया है। मैं दृढ़ संकल्प हूं मेरे पार्षद भाइयों को साथ में, सभी को साथ में लेके नगर का विकास आगे करेंगे सब मिलजुल के। आपने जनता और पार्षदों का पुनः विश्वास हासिल किया है, नए उत्साह नए ऊर्जा पुनः काम करेंगे डबरा के विकास में। नगर के विकास में सही किसी प्रकार की हम कमी नहीं करेंगे। हमारे विधायक महोदय राम कुमार यादव जी हमारे साथ में हैं, उनके मार्गदर्शन पे हम डबरा नगर को कहीं और ऊंचाई पे लेके जाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।